हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल पर। ये देखिए, मेरे 501 सब्सक्राइबर जो है वो हो गए हैं। सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ कैसे हुए, कितना टाइम लगा। फटाफट इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। जैसा आप थंबनेल में देख के आए हो, सारी चीज़ें यही डिस्कस करी जाएगी और एक्स्ट्रा एडिशन में चीज़ें जो है बताई जाएगी। 100 सब्सक्राइबर में मुझे क्या मिला, कब हुए, न्यू चैनल वाले बिल्कुल ज़रूर देखें क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो हैं वो मेरे साथ भी हुई हैं, वो आपके साथ भी हो रही होंगी। मैंने उस चीज़ को हैंडल कराया, आप भी उस चीज़ को हैंडल करें। मैंने जो गलती करी, हाँ मैंने भी गलतियाँ करी हैं, मैं बताऊँगा कि मैंने क्या करी, वो आप बिल्कुल ना करो। सब्सक्राइबर कैसे बढ़ते हैं तेज तरीके से, हाँ बिल्कुल मैंने भी बढ़ाए हैं अपने तेज तरीके से, कैसे हैं वो मैं आपको बताऊँगा, पूरी ट्रिक बताऊँगा, कोई भी चीज़ नहीं छुपाऊँगा। और हाँ, ये जो पांचवा जो पॉइंट लगा हुआ है, सिर्फ सब्सक्राइबर काफ़ी नहीं, हाँ ये बात सच है। अगर आप यूट्यूब पे मनी कमाना चाहते हो, पैसे कमाना चाहते हो, तो सिर्फ सब्सक्राइबर काफ़ी नहीं है। मेरे को भी पहले ये लगता था लेकिन बाद में मुझे चीज़ें पता चली। पूरा सफ़र जो है वो 500 सब्सक्राइबर तक का, मैं 0 से 500 तक का सब्सक्राइबर का अपना सफ़र बताऊँगा। किसी की बातों में ज़्यादा फालतू मत आना, पूरी वीडियो को देखना, एंड तक देखना, आपके सारे सवालों का जवाब जो है वो इसमें मिल जाएगा। और अगर आपके कोई भी सवाल होते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, ज़रूर मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँ। तो दोस्तों, मेरे जो चैनल की शुरुआत जो मैंने अपनी करी थी वो 15 अक्टूबर 2021 को करी थी मैंने शुरुआत। मैंने लॉन्ग वीडियो को थोड़ा सा अवॉइड कर रहा था स्टार्टिंग में, क्योंकि लॉन्ग वीडियो चलना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर जो हैं वो बैठे हुए हैं, अपनी लॉन्ग वीडियो जो है वो बढ़िया तरीके से चला रहे हैं। तो मैंने जो शुरुआत करी थी वो शॉर्ट वीडियो से करी थी। अगर आप भी नए यूट्यूबर हो तो प्लीज़ लॉन्ग वीडियो से थोड़ा सा बचो, डालो पर थोड़ा सा बचो, बाकी शॉर्ट वीडियो जो है वो डालो और इंटरेस्टिंग बना के डालो। तो मैंने जो शुरुआत करी थी वो शॉर्ट वीडियो से शुरुआत करी थी। फिर जो है मेरा 28 नवंबर 2021 को मेरे 100 सब्सक्राइबर हुए थे, मतलब मुझे पूरा टोटल टाइम जो है वो 44 डेज़ का लग गया था 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने में। आपको परेशान नहीं होना है कि मेरे सब्सक्राइबर जो है वो बढ़ नहीं रहे, हर दिन एक बढ़ रहे हैं, किस दिन दो बढ़ रहे हैं, किस दिन 10 बढ़ रहे हैं, नहीं परेशान नहीं होना है। आप अपनी वीडियो के एनालिटिक पे जाइएगा, देखिए जैसे इस पिक्चर में दिखाया जा रहा है, अगर इसमें लिखा हुआ है जैसे नॉट सब्सक्राइब में 99% आ रहा है, तो इसका मतलब आपकी वीडियो जो है वो बहुत अच्छे तरीके से देखी जा रही है और आपका आने वाले दिनों में चैनल ग्रो होना ही होना है। फिर फाइनली 28 जनवरी को जो है वो मेरे 501 सब्सक्राइबर हो गए, और मुझे 501 सब्सक्राइबर पूरा करने में 3 महीने 13 दिन लगे। तो परेशान नहीं होना है, आराम से रिलैक्स माइंड से, आज अगर आपके एक हो रहे हैं तो अगले दिन अगर आपकी शॉर्ट वीडियो चलती है तो अगले दिन 100 के 100 सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे। अब बात आती है कि मुझे 100 सब्सक्राइबर पे क्या मिला। तो मुझे 100 सब्सक्राइबर पे यूट्यूब की तरफ से एक कॉन्ग्रेचुलेशन का मैसेज मिला, जैसा कि आपको दिख रहा है। और सच बताऊँ, आपके पास भी मैसेज आएगा तो आपको भी काफ़ी ज़्यादा खुशी मिलेगी, मुझे भी मिली थी, आपको भी मिलेगी। अब दूसरा क्वेश्चन मैंने लिखा था कि न्यू चैनल वाले ज़रूर देखें, वो मैंने इसलिए लिखा था क्योंकि जैसे मैंने देखा यूट्यूब पे बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि एक रात में 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे, एक हफ्ते में 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे, महीने में हो जाएंगे, होते होंगे, उनके होते होंगे, वो मुझे नहीं पता कैसे होते हैं। लेकिन देखो, रियलिटी ये है कि अगर आप यूट्यूब पर आ रहे हो, आप कोई नोन पर्सन तो हो नहीं, या फिर कोई स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी वाले, तो आप एक नॉर्मल पीपल हो, मैं भी एक नॉर्मल पीपल हूँ, तो कैसे कैसे चैनल ग्रो होता है, रातों रात चीज़ें बदलती हैं, पर उसमें भी टाइम लगता है। तो इसलिए बाकियों से ज़रा बच के मेहनत जो है निरंतर करते रहिए, परेशान कभी नहीं होना है कि हाँ आज एक बढ़ गया मेरा, कल दो बढ़ गया मेरा। ऐसा भी दिन आएगा कि किस दिन 100 बढ़ जाएंगे, उसके एक हफ्ते तक एक भी सब्सक्राइबर नहीं बढ़ेंगे, ऐसा भी हुआ है, मेरे साथ भी हुआ है। तो परेशान नहीं होना है, रेगुलरली जो है वो अपनी वीडियो जो है अपलोड करते रहना है। अब बात आती है थर्ड क्वेश्चन की, मैंने जो गलती करी आप मत करना, हाँ मैंने गलती करी है, बहुत बड़ी गलती करी है। आप अगर आपने YouTube अभी स्टार्ट कराया है, आपके 1000-2000 सब्सक्राइबर हो भी गए हैं, तो फिर भी आप जो है वो इसको ज़रूर देखिए और ये चीज़ ज़रूर अप्लाई कीजिए। देखो ये जो है मैंने अपना YouTube स्टूडियो खोल रखा है, अभी मैंने रिसेंटली में गुजरात की अनलिमिटेड थाली जो है 80 रुपये वाली जो डाली है शॉर्ट वीडियो, उसका मैं आपको दिखला रहा हूँ कि मैंने क्या क्या करना चाहिए। देखिए सबसे पहले इसका डिस्क्रिप्शन देखिए, इसके डिस्क्रिप्शन में जितने भी हैशटैग होते हैं अनलिमिटेड थाली के, गुजराती अनलिमिटेड थाली के, वो सारे जो हैं वो उसमें डाल दीजिए। आपको मिलेंगे कहाँ से, तो यूट्यूब पे सर्च पे जैसे ही डालोगे ना गुजराती, तो बहुत सारे जो हैं वो ऑप्शन आ जाएंगे, उन सबका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बस यहाँ पे हैशटैग डालते रहिए। दूसरा चीज़, ये जो विजिबिलिटी जो आपको दिख रहा है ना, विजिबिलिटी में पब्लिक मत रखिए, हमेशा इसे अनलिस्टेड मोड में रखिए। जब पब्लिक इसे तभी कीजिए जब आप सारा चीज़ इस पर कर चुके हो, आप इसके हैशटैग लगा चुके हो, डिस्क्रिप्शन में लिख चुके हो इसके बारे में, नीचे जो ऑप्शन आ रहा है मोर ऑप्शन में टैग कैटेगरी, टैग लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप टैग नहीं लगाओगे वीडियो बिल्कुल नहीं चलेगी। और टैग कैसे लगाते हैं मैं आपको अगले स्क्रीनशॉट में दिखलाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, जो गुजरात अनलिमिटेड थाली जो मैंने डाला था, उसका हैशटैग जो मैंने लगाया था वो सारा मैं आपको दिखला रहा हूँ।
इस तरीके से YouTube पे कोई भी चैनल जो है वो दिखलाता नहीं है, ना ही कोई पब्लिकली चीज़ें बताता है। बट कोई नहीं यार, मैं दिखला देता हूँ, बिकॉज मैं भी चाहता हूँ यार कि आप लोग भी जो है अपना चैनल ग्रो करो और अच्छी तरीके से अपना चैनल चलाओ। तो अब जानकारी मैं तभी दे पाऊंगा जब मैं आपको दिखलाऊंगा। तो इस तरीके से कोई दिखलाता नहीं है। देखो मैंने क्या करा है, टैग में सारे वही लगा दिए जो आपने हैशटैग लगाया था ना, हैशटैग में स्पेस नहीं देना है और टैग में स्पेस देना है, ये बात ध्यान रखना। तो जितने भी मैंने हैशटैग लगाए थे सेम उसी को मैंने कॉपी कर दिया और उसमें स्पेस जो है वो दे दिया। तो इस तरीके से आपको हैशटैग लगाना है और नीचे जो कैटेगरी का ऑप्शन है वो ज़रूर सिलेक्ट करना। जैसे ये इंटरटेनमेंट के लिए है, फूड ब्लॉग्स, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, तो मैंने इसमें इंटरटेनमेंट जो है वो सिलेक्ट कर रखा है। आप भी जो आपको सही लगे वो जो है आप कैटेगरी के हिसाब से करो। अब इसके बाद जब ये सारा चीज़ हो जाए तो इसके बाद इसको जो विजिबिलिटी है उसको पब्लिक मोड में कर दो। देखो दोस्तों, अगर जानकारी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने जो दूसरे दोस्त हैं उनको भी शेयर कीजिएगा। और आपके कोई भी क्वेश्चन इसके बाद भी बच जाते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मैं आपका ज़रूर जो है वो रिप्लाई करूँगा। अब जो है हम वो आगे बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन आता है सब्सक्राइबर बढ़ाने का फास्ट तरीका। तो देखो सब्सक्राइबर बढ़ाने का फास्ट तरीका जो है वो आपको मैंने बता चुका हूँ। वीडियो को अच्छी तरीके से अपलोड करें, उसका टाइटल अच्छे से लेके, उसका डिस्क्रिप्शन अच्छे से लेके, उसमें टैग अच्छे से लगाएं। उसके बाद जो विजिबिलिटी मोड है उसको, ये सारी चीज़ें जब आप कर रहे हो तो अनलिस्टेड मोड में रखें, तब जाके जो ये सारा काम होने के बाद पब्लिक मोड में करें। और दूसरा तरीका ये है जो मैंने भी अपनाया है, शॉर्ट वीडियो जो है वो डालें, शॉर्ट वीडियो इंटरेस्टिंग बना के डालें। मतलब कि अगर आप एक लॉन्ग वीडियो डालते हो तो 10 शॉर्ट वीडियो डालो, और जो लॉन्ग वीडियो आप डाल रहे हो उसका भी एक शॉर्ट वीडियो डालो और उसका जो लिंक है वो कमेंट में देना, डिस्क्रिप्शन में मत देना। शॉर्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कभी भी लिंक मत देना, उसके कमेंट में देना, उस कमेंट को पिन भी कर देना। फिफ्थ पॉइंट है सिर्फ सब्सक्राइबर काफ़ी नहीं है, ये होना भी चाहिए। अब देखो ये मैंने इसलिए लिखा है कि जैसे आप सोचते हो कि 1000 सब्सक्राइबर जो हैं वो हो जाएंगे तो हमारा काम हो जाएगा, नहीं, 4000 वॉच आवर भी आपको पूरे करने हैं। 1000 सब्सक्राइबर साथ में 4000 वॉच आवर जो आपको जो है वो एक साल के अंदर जो वो है पूरे करने हैं। तो सिर्फ सब्सक्राइबर नहीं, वॉच आवर पर भी ध्यान देना। और वॉच आवर जो होता है वो केवल लॉन्ग वीडियो का ही काउंट होगा, शॉर्ट वीडियो का नहीं, ये बात ध्यान रखना। तो लॉन्ग वीडियो भी जो है वो इंटरेस्टिंग बना कर डालें। सबसे पहले सब्सक्राइबर बढ़ाने पर कोशिश करें, क्योंकि सब्सक्राइबर जैसे जैसे बढ़ेंगे वॉच आवर भी जो है वो इंक्रीज़ होता जाएगा। बाकी दोस्तों 500 सब्सक्राइबर होने के बाद YouTube आपको कुछ देता नहीं है, खाली कम्युनिटी टैब जो है वो ओपन हो जाता है। तो दोस्तों ये था मेरा 500 सब्सक्राइबर तक का सफ़र, जो कि मैंने शुरू करा था 15 अक्टूबर से, और 28 जनवरी को जो है मेरे टोटल 500 सब्सक्राइबर जो है वो कंप्लीट हो गए थे। होपफुली मैं 1000 सब्सक्राइबर भी जल्दी ही कर दूंगा। और आपका प्यार भी काफ़ी अच्छा मिला, आपका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। आप प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा कि आपको और किस तरह की वीडियो जो है वो देखनी है, और आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं उसका आंसर दूंगा, हर एक व्यक्ति का आंसर मैं दूंगा, ये तो कन्फर्म है। और बाकी देखो दोस्तों, जिस तरीके से मैंने आपको बताया अपनी चीज़ें एकदम ओपन तरीके से, वैसा आपको कोई दूसरा बंदा बताएगा नहीं। कोई भी क्वेश्चन हो बाकी प्लीज़ मुझे लिखिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और मेरी इस वीडियो को देखने के लिए। आप खुश रहें, आपका अगर आप चैनल बना रहे हो तो आपका चैनल भी जल्दी से ग्रो हो। धन्यवाद, लाइक ज़रूर कीजिएगा।